नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। खबर एटा से है। एटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लाखों रुपए कीमत की गैर प्रांतीय विदेशी शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि ये शराब ट्रक और कैंटर में सप्लाई करने के लिए ले जाई जा रही थी। बरामद की गई इस विदेशी शराब की कीमत 52 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शराब 3 वाहनों में लाद कर ले जाई जा रही थी। 700 पेटी शराब, 3 वाहनों सहित 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली देहात पुलिस को चेकिंग के दौरान यह बड़ी सफलता मिली है। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। सर, ये देहात पुलिस द्वारा सर एक शराब के विरुद्ध सर अभियान चला के कार्रवाई की गई, सर क्या है पूरा मामला? सर, थाना कोतवाली देहात एटा पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट सर्विलांस पुलिस टीम ने जीटी रोड पे चेकिंग के दौरान शराब तस्करी में संलिप्त 3 वाहनों को पकड़ा है, जिनमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इनके कब्जे से मैकडावल ब्रांड की और इंपीरियल ब्लू ब्रांड की ये अंग्रेजी शराब तस्करी के लिए जो सोनीपत हरियाणा से बिहार के लिए ले जाई जा रही थी, इसको 700 पेटी बरामद की गई है। बाजार में अनुमानित मूल्य इसका लगभग 52 लाख रुपए से अधिक कीमत का है। इनका अपना एक संगठित गिरोह है और ये आगामी पंचायत चुनाव में या आगे तस्करी के लिए न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह की तस्करी भारी मात्रा में करके लोगों को खपत करते थे, पहुंचाते थे। इनकी गिरफ्तारी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पूछताछ में मिली है, जिसके आधार पर पुलिस टीमें आगे फॉलोअप एक्शन कर रही हैं।